gamesook.in का अपना एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं स्टॉक की अपडेट देता रहता हूँ। PS4 आ रही है, PS5 आ रही है, PS3 आ रही है, सेकंड हैंड PC आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। भाई लोग, सोनी ने इस वाले इवेंट में तो बिल्कुल आग लगा दी मार्केट में, जैसे कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी हुई और उसके अलावा भी भाई काफ़ी चीज़ें पता चली है। तो क्या क्या हुआ पूरे इवेंट में वो अभी तक तो आपको पता चली गया, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, 17th को मेरा बर्थडे था तो मैं पूरा दिन शूट नहीं कर पाया, इसलिए आप ये एक दिन बाद देख रहे हो वीडियो, बट कोई नहीं भाई। अब जैसे ही ये वाला इवेंट खत्म हुआ ना, मेरे पास बहुत सारे सवाल आने लगे कि PS5 की बुकिंग कब होगी, प्री बुकिंग कब होगी, इंडिया में कितने का आएगा, प्राइस टोटल है क्या, क्या आप gamesook.in पे बेचोगे या नहीं बेचोगे, बेचोगे तो कितने का बेचोगे, और साथ ही साथ स्टॉक का क्या सीन रहेगा। तो भाई आज की वीडियो में मैं पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इवेंट की मैं पूरी समरी करके आपको 2 मिनट में बता देता हूँ फटाफट से हुआ क्या था। स्टार्टिंग में तो वही कुछ गेम्स के गेम प्ले दिखाए, जो गेम्स पहले से अनाउंस हो गई थी उनके भी थोड़े बहुत, और जो नई अनाउंसमेंट हुई है उनकी भी। स्टार्टिंग हुई थी भाई स्पाइडरमैन से, मतलब हुई किसी और गेम से थी, बट मैं मेन गेम्स आपको बता रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन से गेम प्ले की स्टार्टिंग हुई, पूरा गेम प्ले दिखाया, इतना तगड़ा गेम प्ले था ना भाई, मजा सा आ गया। आप में से जितने लोगों ने इवेंट देखा होगा, मस्त, मतलब कि इतने अच्छे ग्राफिक्स, ऊपर से जो उसकी पावर्स वगैरह थी, उसका जो सूट था काफ़ी मस्त लग रहा था यार। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा PS5 पे स्पाइडरमैन को खेलने के लिए, आप हो या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट गेम प्ले दिखाया गया हॉगवर्ट्स लेगेसी का, तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गेम प्ले के दौरान कि हैरी पॉटर को दिखाया जाएगा, मतलब हैरी पॉटर से हम खेल सकते हैं, एज ए हैरी पॉटर खेल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। मतलब वो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग करेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप खेल सकते हो, तो अच्छी गेम लग रही थी दिखने में। देखते हैं मिशन विशन क्या रहते हैं, मेरे को लग रहा है ये जो बुली थी ना गेम, उस टाइप की होगी कि स्कूल के अंदर ही छोटे मोटे मिशन मिल रहे हैं, उसी तरह से आपको पता ही है हैरी पॉटर सीरीज अगर आपने देखी है क्या होना होगा। नेक्स्ट बड़ी गेम का जो गेम प्ले दिखाया गया वो था कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर, तो अनाउंसमेंट तो बहुत पहले ही हो गई थी, जब र्यूमर्स फैलने लगे थे तभी मैंने आपको बता दिया था, बट अब जो है वो प्रॉपर गेम प्ले दिखाया गया, जिसमें फर्स्ट मिशन में हमारे पास स्नाइपर होती है भाई, मतलब बुलेट जो स्लो मोशन में जाती है ना, वो मेरे को मैक्स पेन 3 की याद दिलवा दी। मैंने मैक्स पेन 3 कंप्लीट करी हुई है, उसमें भी जब आप कोई हेडशॉट या फाइनल किल वाला शॉट लेते हो ना, तो बुलेट ऐसे बिल्कुल स्लो मोशन में जाती है, और इसमें भी सेम टू सेम वही था, ग्राफिक्स एक नंबर के थे, और भाई स्टोरी लाइन तो होनी है तगड़ी जब बिल्कुल लेटेस्ट पार्ट है। तो अगला गेम प्ले दिखाया गया रेजिडेंट ईविल 8 या फिर विलेज भी कह सकते हो आप, तो इसका भी गेम प्ले काफी तगड़ा था। रेजिडेंट ईविल सीरीज काफी अच्छी होती है, मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा ना पसंद नहीं है ये हॉरर वाली गेम्स, बट अच्छा है, PS5 पे आएगी तो ऑब्वियसली मैं खेलूंगा ही। 2021 की डेट रखी है, इस साल नहीं आएगी तो अगले साल देखते कब आएगी, डेट फाइनल नहीं हुई है। तो ये तो थी कुछ बड़ी बड़ी गेम्स, दिखाई काफ़ी गई जैसे कि मैंने आपको बताया, बट मैंने आपको मेन बता दिया। इसके बाद PS Plus की मेंबरशिप जो होती है, सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हो, तो PlayStation 5 के भी बताया गया उसके बारे में। तो जब से जिस दिन से लॉन्च होगा उसमें आपको PS Plus के साथ साथ कुछ गेम्स भी देखने को मिलेगी PS4 की, तो ये तो कन्फर्मेशन हो ही गई थी कि भाई 99% PS4 की गेम्स जो है वो PS5 में रन करेगी, और साथ ही साथ उसका जो कंट्रोलर था वो भी गेम्स में रन करेगा। नई वाली जो गेम्स आएगी PS5 की उनमें वो कंट्रोलर काम नहीं करेगा, लेकिन जो पुरानी PS4 की गेम्स है सब में वो कंट्रोलर काम करेगा। बट भाई अब जब ड्यूल सेंस आने वाला है तो ड्यूल चोक को कौन यूज करने वाला है, तो वो अलग सीन है। बट उसके अलावा भाई ये कंफर्म है कि जो PS3 या PS2 की गेम्स है वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी PlayStation 5 में नहीं मिलेगी, यानी कि आप सिर्फ PS4 की गेम्स खेल सकते हो। तो ऐसा बताया गया कि बाकी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं दिया गया कि PS3 PS2 की भी गेम्स चले। कोई बात नहीं भाई, हमें क्या लेना PS3 की गेम्स से, बहुत पुरानी हो गई, PS3 खरीद के खेल लेंगे। बट PS4 की गेम्स मिल रही है, वो भी 99% वाली गेम, मतलब 99% गेम्स मिल रही है, सिर्फ 1% कुछ ही गेम्स होगी जो आप PS5 में खेल नहीं पाओगे। फिर करा गया भाई बीच में कुछ वो ही स्पॉन्सरशिप वाला काम जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, तो छोटी मोटी गेम्स के गेम प्ले दिखाए गए जो जिसमें मैं बड़ा बोर हो रहा था। और फिर फाइनली भाई लास्ट इवेंट की तरह दिखाया गया, जैसे लास्ट इवेंट में हार्डवेयर दिखाया गया था प्रॉपर कैसा दिखने में, इस बार दिखाया गया भाई प्राइस को और डेट्स को लेकर कब जो है वो लॉन्च हो रही है। प्राइसेस जो है वो है जो मतलब डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें है $499, यानी कि अराउंड इंडियन करेंसी के हिसाब से, अभी के हिसाब से देखा जाए तो 35,000 रुपीज़ का बन रहा है, बट इंडिया में इतने का लॉन्च नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 50,000 से अंदर अंदर ही रहेगा, हो सकता है 49,000 रहे, 48,000 रहे या 50,000 रहे, जितना मैंने सोचा था भाई उतना ही हुआ, ज़्यादा 70-80,000 का नहीं हुआ, 50,000 के अंदर आया, तो एक नंबर का कंसोल है। और जो डिजिटल वाला वेरियंट है इसका वो है $399, यानी कि $400 का, तो वही हो गया कितना 29,000 रुपये के आसपास। तो इंडिया में ये आएगा मेरे ख्याल 40,000 का, 10,000
5,000 का डिफरेंस रहेगा दोनों में, तो ये 40 का इंडिया में, वो आएगा 50,000 का। इसके बाद डेट्स की बात करें तो 12 नवंबर को, जी हाँ 12 नवंबर को, बस भाई आ ही गया 12 नवंबर, दो महीने से भी कम टाइम रह गया। 12 नवंबर को ये लॉन्च होने वाली है US, कनाडा, जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया में, और 19th को पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी चाइना को छोड़ के। चाइना की डेट्स अभी कंफर्म नहीं हुई है कब लॉन्च होना है, तो इंडिया में तो आएगा भाई 19th नवंबर को। और उसके बाद भाई जो दिल की धड़कने रोक देने वाली चीज हुई, जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उनको ये भी पता था कि यार नहीं होगा इतनी जल्दी, बट भाई फाइनली वो हो गया। जैसी गॉड ऑफ वॉर का लोगो आया, रैग्नारोक नाम है आपको पता ही होगा, उसका जैसी लोगो आया भाई मेरी धड़कनें रुक गई। मुझे लगा भाई अब तो क्रेटोस की शक्ल देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स क्या तगड़े होने वाले हैं, बट वहीं पे वो धड़कनों को नॉर्मल कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही आया कि 2021 में जो है ये गेम आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया, कोई गेम प्ले नहीं दिखाया गया, कोई ट्रेलर नहीं दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ इतना आया कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक इज कमिंग 2021 में। तो ये थी पूरे इस इवेंट की एक छोटी सी समरी। अब बात करते हैं भाई जो मेरे को लगातार ईमेल या डीएम आ रहे हैं, क्योंकि मेरा आपको पता ही है अभी हमने अपना एक स्टोर खोला है, गेमिंग स्टोर खोला है जिसका नाम है gamesook.in, अपनी वेबसाइट भी है। सारे प्री बिल्ड पीसीज बेचते हैं, कंसोल्स बेचते हैं, गेमिंग एक्सेसरीज बेचते हैं, तो मेरे को काफ़ी डीएम और ईमेल आ रहे हैं कि अनमोल भाई PS5 आपके पास आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने का आएगा, उसकी प्री बुकिंग ले लो, 5,000 रुपये हमसे एडवांस ले लो, हमारा प्री बुक कर लो, क्योंकि दिक्कत होने वाली है सबको पता है स्टॉक की उस टाइम पे। तो अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन प्री बुकिंग, जी नहीं हम प्री बुकिंग नहीं ले रहे हैं, कोई भी पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में नहीं ले रहा है। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट दिखती है जहां पर प्री बुकिंग ली जा रही है तो भाई बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टॉक को लेकर कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब PS4 का स्टॉक जो है धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, आने लग रहा है, बट भाई PS5 में बहुत मारामारी होने वाली है स्पेशली इंडिया में, क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट पर रखा है ना उस प्राइस पर बहुत लोग जो है वो लेने वाले हैं PS, मतलब 50,000 के अंदर अंदर, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम रहेगी, मारामारी रहेगी, स्टार्टिंग के दिनों में तो मिलेगा ही नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे स्टॉक आउट रहेगा, स्टोर पे भी बहुत कम पीस आएंगे, उसमें से पक्की बात है पहला पीस तो मैं लूँगा, क्योंकि पहले मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा, बट प्राइस सुन के अब तो कन्फर्म है भाई, ऊपर से स्पाइडरमैन खेलनी है, गॉड ऑफ वॉर आ रही है, तो अब तो मैं कंफर्म लॉन्च डे वाले दिन ही लूंगा। अपना स्टोर है तो सबसे पहले अपने पास ही आएगा, जितने पीस आएंगे उसमें से पहला पीस मेरा ही रहेगा पक्का। इसके बाद प्राइस का मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी ऑफिशियली प्राइस आया नहीं है, एक्सपेक्टेड है 50,000 और जो डिजिटल वाला है उसका 40,000, बट इतना पक्का है कि gamesook.in से आपको मार्केट से सस्ते रेटों पे मैं प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल मतलब कि टक्कर देने वाला प्राइस मिलेगा, अमेजोन से भी सस्ता, दूसरी मार्केट से भी सस्ता, तो जो लोग स्टोर पर आके ले लेंगे भाई फटाफट से ले लेना, प्री ऑर्डर कोई नहीं ले रहे अभी, हमें भी नहीं पता क्योंकि कितना स्टॉक मिलेगा कितना नहीं, जितना स्टॉक आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा। तो gamesook.in का अपना एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं स्टॉक की अपडेट देता रहता हूं, PS4 आ रही है, PS5 आ रही है, PS3 आ रही है, सेकंड हैंड PC आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब मार लो, वो ज्यादा जरूरी है, वहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वेबसाइट का लिंक, स्टोर का एड्रेस, घर बैठे बैठे भी डिलीवरी ले सकते हो, पीसी ले सकते हो। और भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक एम रखते हैं 25,000 लाइक्स का, इन आप लोग करवा दोगे, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।